अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई और मेरे फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी सही हूँ। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, लेक्सस गाड़ी है और इसका इंजन टूटा हुआ है, इसका टेपर्ड कोर भी टूटा हुआ है। जा हुआ स्टार्ट बस। तो भाई आपने पहले भी क्लिप में देख लिया, यही गाड़ी है लेक्सस IS 300 और 300 भी बोल सकते हैं। और इसका इंजन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये गाड़ी है, इसका इंजन टूटा हुआ है, आप लोगों ने पहले भी क्लिप में देख लिया। इसका टेपर्ड कोर भी टूटा हुआ है। ये जो है ना, वो टेमिंग का गिरारी जब भी टूट जाता है तो वो पूरे जो है ना टेपर्ड कोर चीज़ को तोड़ के रख देता है। और जो टेमिंग प्लेट है ये भी टूटा हुआ है, मैं बाद में जब खोलेगा आप लोग पूरा दिखाएगा इंशाल्लाह। 6 सिलेंडर इंजन है, 2006 मॉडल IS 300। ठीक है, हमारे साथ रहो। अभी बिस्मिल्लाह कर दिया, गाड़ी उठाते हैं, इसका इंजन हम नीचे टेबल पे निकालते हैं और गाड़ी के बोल्ट हमने खोल दिए। आप देख सकते हो ये क्या तरीका कार है इसका। इसका चार बोल्ट जो गाड़ी इंजन का है उसको खोलना पड़ता है और एक छोटा सा गाड़ी जो गियर को लगा होता है उसका चार बोल्ट है। अभी तुम लोग देख सकते हो ना, उठा देना गाड़ी नीचे टेबल पे, भी हम उतार रहे इसको, उतारने के बाद फिर इसका हम आगे से खोलेंगे इसका टेमिंग कवर और टेपर्ड कवर खोलेंगे। वो टूटा हुआ है और नीचे गिरारी भी टूटा हुआ है, वो पूरा आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहो। ये आप लोग देख सकते हो इंजन उतर गया टेबल पे और गाड़ी हमने जेक पे उठा लिया ऊपर। ये देख सकते हो आप, इंजन माशाल्लाह उतर गया। ये हमारा टीम है, आप लोग को मैंने पहले बताया ये गाड़ी जो इंजन का है चार बोल्ट ये है, दो इस साइड का, दो उधर राइट साइड का, और चार बोल्ट ये छोटे गाड़ी का है इसका, ये गियर के साथ पूरा उतरता है इसका इंजन। आसानी से आसान तरीका कार, ये यहाँ पर आप टेमिंग कवर देख सकते हैं, ये भी टूटा हुआ है और टेपर्ड कवर भी टूटा हुआ है। इसको हम खोलेंगे इंशाल्लाह, आप लोग दिखाएंगे। इसका हमने टेपर्ड कवर खोल लिया, आप लोग देख सकते हो तो टेमिंग प्लेट का जो आधा पीस है वो देख रहे हो इसके साथ लटका हुआ, ये यहाँ से पीस गया हुआ है। और ये बोल्ट आप लोग देख सकते हो, ये पूरा गिरारी टूटा हुआ है, ये देखो बाहर आया हुआ है, पूरा जंजीर का पोजीशन आउट हुआ है पूरा। अभी हम इसका टेमिंग प्लेट खोलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, देखो पूरा टूटा हुआ है, बोल्ट बिल्कुल बाहर आया हुआ है, ये देखो प्लेट के बाहर पड़ा हुआ है। ये अंदर से जो स्प्रिंग इसके अंदर होता है वो टूटा हुआ है ये गिरारी के अंदर। जी भाई, हमने टेमिंग प्लेट खोल दिया, आप लोगों के सामने है, और ये फिर सामने निकाल दिया एक सेट का, ये एक सेट का आप देख सकते हो बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये सही है। और ये जो राइट साइड है ये इसका ये गिरारी टूटा हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका जो बोल्ट है गिरारी वाला वो भी टूटा हुआ है, ये भी दो पीस पड़ा हुआ है। अभी इंशाल्लाह इसका जो है ना ये गिरारी वगैरह लगा के टाइमिंग सेट करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग देख सकते हो
पूरे इसके लिए जो है ना ये चिम्बर वगैरह खोलना पड़ता है कि उसका इसका आयल का जो जाली है ना वो सिस्टम इसके साथ नीचे रहता है ना, तो पूरा चिम्बर वगैरह निकालना पड़ता है लोगों के सामने है। ठीक है भैया, इंशाल्लाह इसका हम टाइमिंग पेट करके आप लोग साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहो। तो जी भाइयों, गाड़ी का सामान आ गया, इसका हमने गिरारी टाइमिंग का लगा दिया, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अभी आप लोग इसके टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये एक नंबर हेड है, एक नंबर का, ठीक है, एक नंबर का पोजीशन आप देखो, ये माइनस के ऊपर जो एक ये सामने देखो निशान, फिर इसके सामने बैक साइड में वो निशान नज़र आ रहे हैं एक नंबर, फिर यहाँ से दूसरा गिरारी देखो, ये भी है एक नंबर पे, ये निशान देखो इसके सामने, फिर यहाँ का कैम का पोजीशन भी देखना पड़ता है एक नंबर का, ठीक है, ये एक नंबर का पोजीशन है। यहाँ पर जो दो नंबर हेड है इसका, यहाँ पर देख पोजीशन देखो, फिर यहाँ पर बांधना पड़ेगा क्योंकि दो नंबर हेड है, फिर ये दो निशान देखो इसके साथ साथ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये देखो पोजीशन निशान नज़र आ रहे सामने, इनके भी निशान सामने नज़र आ रहे हैं छोटा सा, ठीक हो गया। दो नंबर का दो पे, और यह इसका कैम का पोजीशन चार नंबर देख सकते हो आप लोग, ये देखो यहाँ पर एक नंबर नहीं चार नंबर जो है ना इसका पोजीशन लाना पड़ता है, ठीक हो गया। ये नीचे वाले निशान भी आप देख सकते हो, मैं लाइट चालू कर दूँ, ये सामने नीचे निशान नज़र आ रहे हैं, नीचे वाला पोजीशन ठीक हो गया। ये एक नंबर का पोजीशन है और ये दो नंबर का पोजीशन है, ये फिर देख सकते हो एक नंबर का कैम का पोजीशन भी आप लोग देख सकते हो, ये दो नंबर पोजीशन ये हो गया। अभी इसका जो टेनल प्लेट वगैरह है वो भी साफ किया हुआ है, ये दूसरा लाया, इंशाल्लाह इसको फिट करेंगे आप लोग साथ शेयर करेंगे। जो इंजन है 3GR है, पूरा चेक होने के बाद अब इसका ये लॉक निकाल लेंगे, ये चेस्टर का, इसका प्रेशर चेक करना जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में बस काम थोड़ा सा बाकी है, उसी तरीके से फिर जो है ना नीचे से इंजन बैठा दिया, तो बस गाड़ी में थोड़ा सा काम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी कंप्लीट हो गई लिक्सेस, अब इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कर देते हैं, गाड़ी इंजन लगा दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट कर देते हैं, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सही है, पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सही है बिल्कुल, पहले आप लोगों ने देखा था गिरारी भी टूट गई थी और वो टाइमिंग प्लेट, हम तो थोड़ा सा रेसर ज़्यादा एक से ऊपर है थोड़ा, लेकिन अभी ये नीचे थोड़ा आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे, तो यहाँ पर होना चाहिए, देखो इससे नीचे आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। बाहर से आप लोगों को दिखाता हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ज़बरदस्त हो गई,
आप लोगों ने देखा था, इस जगह टूट गया था, ये अभी चेंज कर दिया, तो चेन पलट भी नहीं लगा, पेपर फोर भी नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त। गाड़ी बंद कर दो एक मरतबा, स्टार्ट कर दो ना, स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये पुराना सामान पड़ा हुआ है और ये तुम लोगों के सामने है गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई। दुआओं में याद रखना, अगर कोई गलती हुआ है तो माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।